अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्यों जो स्कैट फोटोन है वो अपनी जगह से मूव कर जाता है कॉम्पटन इफेक्ट में इन कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड स्ट्रेट अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट एक्स एक्सरेज जो फोटोन है वो सीधा एक्स रेज की तरफ इंसिडेंट होता है और विच वे द डैटर्ड फोटोन मूव इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि कैसे जो फोटोन है स्टूडेंट्स वो किसी भी एंगल पर स्केटर्ड कर जाता है हम लोग जानते हैं कि जो स्केटेड फोटोन है वो मूव करेगा रस से 1800 हंड्रेड की तरफ जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो फोटोन है वो जीरो डिग्री पर मूव करता है या फिर 180 डिग्री पर मूव करेगा तो जो कॉम्पटन की हम लोग बात करते हैं वहां पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो हमारे पास क्या कीज ऑफ थीटा ये है हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन सो द मैक्सिमम एनर्जी दैट आर रिकॉल इलेक्ट्रॉन कैन ऑप्टेन अब स्कैटरिंग के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हो रहा है वो किसी एंगल पर स्केट हो रहा है स्टूडेंट्स तो कॉन्स्टेंट स्कैटरिंग के अंदर मैक्सिमम एनर्जी जो होगी स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन के लिए वो किस पर होगी स्टूडेंट्स जीरो डिग्री पर वेयर एज एक्स रे फोटोन इट्स सेल्फ इज स्कैटेड बैकवर्ड एट द एगल ऑफ़ वन एटी डिग्री और जो फोटोन है वो किस एंगल पर स्कीटेड होगा स्टूडेंट्स वन एटी डिग्री पर तो इस वजह से क्या होगा इन एंगल के चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के इक्वेशन हमारे पास जो अब है स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगी डेल्टा लेमदा इज इक्वल टू तो एच अवर एम नॉट सी इनटू वन माइनस कॉज ऑफ वन एटी डिग्री विच इज इक्वल टू एच अवर एम नॉट सी इनटू वन प्लस वन ये हमारे पास माइनस कॉज वन एटी की वैल्यू है वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया तो so, हमारे पास डेल्टा लैमदा जो है किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स टू एच अवर एम नॉट सी द मिनिमम एनर्जी दैट अ दैटॉय इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्टेन इन कॉम्पटन स्कैटरिंग इज इन अ कोलिजन इन विच फोटो डायरेक्शन रिमेन्स सेम एंड स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन इज जीरो सो इस वजह से अबव इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी अब जो मिनिमम एनर्जी है रिकॉयल्ड इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट्स कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर वो किस वजह से है जब ओकोलिजन होगी कि किसकी फोटोन की जिसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी और जो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन है स्टूडेंट्स वो जीरो डिग्री पर होगी तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन है वहाँ पर क्या होगा सिर्फ हम लोगों ने जो कॉम्पटन शिफ्ट का हमारे पास फार्मूला है उसमें वन एटी डिग्री की जगह जीरो डिग्री को पुट करना है सो डेल्टा लैमदा इज इक्वल टू एच अवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस ज़ीरो डिग्री विच इज़ इक्वल टू एच एम नॉट सी इंटू वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो सो इंसिडेंट फोटोन इधर स्कैटर एट जीरो डिग्री और एट वन एटी डिग्री तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए कॉम्पटन शिफ्ट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रूव किया कि जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है वो या तो जीरो डिग्री पर स्कैटर करेगा या फिर वन एटी डिग्री पर स्कैटर करेगा और इस इक्वेशन से हम लोगों ने इजीली एंगल को भी फाइंड कर लिया जो कि रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन्स है या फिर हमारे पास फोटोन्स हो जिसकी हम लोगों ने स्कैटरिंग को फाइंड करना हो थैंक यू